टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में रास्ता रुंदीकरण के नाम पर दुकान, घर, गार्डन मनपा ने तोड़ दिया था। आपको बता दें कि 2016 में हुए रास्ता रुंदीकरण में तोड़े गए मकान, दुकान और गार्डन को न ही दोबारा मनपा ने गार्डन बनाया और न ही किसी को घर दुकान दिया। इसी मुद्दे पर नगर सेवक शानू पठान, सीन राउत फरजाना, शाकिर शेख और शाकिर शेख ने थाने मनपा आयुक्त के केबिन के सामने आंदोलन किया। बार बार पत्र व्यवहार करने पर भी मनपा ने रुंदीकरण में तोड़े गए मकान दुकान का पुनर्वास नहीं किया। आंदोलन के दौरान मनपा कमिश्नर विपिन शर्मा को जो पत्र देने थे उन पत्रों को फ्रेम करके आयुक्त को दिया गया। मुमरा कौसा में हुए रुंदीकरण में तोड़े गए दुकानों के लोगों का पुनर्वास किया जाए, ऐसी मांग शानू पठान की है। जबकि ठाणे में तोड़े गए रास्ता रुंदीकरण में सभी का पुनर्वास हुआ है और गार्डन भी बने हैं, मगर मुमरा में क्यों नहीं बना? शानू पठान ने इसी मुद्दे पर मनपा आयुक्त के केबिन के सामने आंदोलन किया और पत्र फ्रेम करके दिया है। रास्ता नहीं निकालने का एक तरफ से आप तूफान की तरह आके पूरा शहर तोड़ देते, सब जगह तोड़े ना, सब जगह बनाए ना, सब जगह बनाए कि नहीं, हमारे शहर नहीं बना, हमारे शहर में आप ज्वाइंट सर्वे करो। सब जगह पे बन गया, मुमरा में क्यों नहीं बना? बस सवाल हमारा ये जवाब आपको देना सर, प्रशासन का जवाब दे दी, पूछना पड़ेगा ना। आज तीन विषय 2016 में रास्ता दुरुंदीकरण के नाम पे जो गार्डन, मैदान और जिनके घर और दुकानें तोड़ी गई थी, उस सारी वैसी की वैसी व्यवस्था में ना ही जिनकी दुकानें तोड़ी थी उनमें से आधे लोगों को दुकानें नहीं दी गई, मैदान और गार्डन वैसे के वैसे ही तोड़ के रखे गए। जो लोग करोड़ों रुपए की जिनकी दुकान थी आज वो पाँव बेच रहे, भीख मांगने की नौबत आ गई। एक तरफ बच्चों को और बुजुर्गों में 100-100 स्क्वायर फीट के अंदर घर के अंदर बंद रहना पड़ रहा है लॉकडाउन के कारण, ना ही उनके पास बैठने के लिए मैदान और गार्डन है। ऐसे मात्रा में एक स्टेडियम हमारे पास था, कौसा स्टेडियम, जो कोविड कर दिया गया। अगर वो कोविड सेंटर हो गए तो हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे शहर में कहाँ निकले और कहाँ सांस ले सके, जेल जैसी हालत आज मुमरा कौसा के अंदर हो गई।